गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। तो टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको अनियन हेयर ऑयल के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे मैं बना के रखती हूँ, सारी बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने हेयर स्मूथनिंग कराया। तो जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में कराते हो ना, तो आपके बालों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना होता है कि आपको बालों की कुछ ज़्यादा केयर करनी होती है, अच्छे से केयर करनी होती है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैं अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा रही हूँ, पहले भी करवा चुकी हूँ। पर मुझे जब मैं करवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से केयर करनी होती है, नहीं तो मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए थे। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाल पतले हैं, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने सुना ही होगा कि अनियन बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। आप चाहे तो मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं अनियन को, जूस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑयल बना के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जूस यूज़ करती थी पहले, पर वही कि किसो और जूस निकालो लगाओ, इतना कौन करे। ऑयल थोड़ा इजी लगता है और आप इसको थोड़े टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हो, तो वो थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन इजी हो जाता है। अनियन की बात करूँ तो अनियन में सल्फ़र होता है और भी बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैरेटिन जो कि एक हेयर का ही कॉम्पोनेंट है, उसमें भी सल्फ़र पाया जाता है। तो जो प्याज है वो बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि फंगस इन्फेक्शन है, डैंड्रफ वगैरह है, इची स्कैल्प है, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जो भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप अगर अनियन को यूज़ करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बस ज़रूरी यह है कि जब भी आप अनियन को अपने बालों में यूज़ करते हो तो उसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ करो। जैसे अभी कुछ दिनों से मैं अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, पर मैं ऑयल को बिल्कुल मेडिसिन की तरह एक रूटीन फॉलो करके यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी अब मेरे बाल झड़ने कम हो गए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी एकदम से सारे रिजल्ट्स मिल गए, नहीं, मेरा डैंड्रफ कम हुआ और सच में हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। आगे वीडियो में मैं बताऊँगी कि कैसे आपको अनियन हेयर ऑयल घर पर तैयार करना है। तो चलिए, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल बनाने वाली हूँ। तो मैंने 1.5 अनियन, चॉप्ड अनियन लिया है, और आप चाहें तो पीस भी सकते हो, पर मुझे चॉप करके बनाना ज़्यादा सही लगता है। और इसके लिए आप ले लीजिए कोई भी एक अच्छा सा कोकोनट ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। मैंने गुड वाइब्स का कोकोनट ऑयल लिया है और एक आयरन की कढ़ाई ली है। वैसे आयरन के बर्तन में आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आयरन के भी न्यूट्रिशन आपके ऑयल में आ जाएंगे और आयरन बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। इसीलिए हम हिना वगैरह भी आयरन के बर्तन में ही उसको घोलते हैं। तो ये कुछ भी नहीं करना है, बस ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो आप ये अनियन, चॉप्ड अनियन को ऑयल में डाल दीजिए, जैसे कि हम कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो करते हैं, वैसे ही करना है। और इसको बिल्कुल धीमी आँच में पकने दीजिए। इसको 10-15 मिनट्स लगेगा गोल्डन होने में, तब तक आप इसको अच्छे से चलाते रहिए। और इस जो अनियन है उसकी सारी न्यूट्रिशन ऑयल में आ जाएंगे। आप धीरे धीरे चलाते रहिए और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। और आप चाहें तो इसमें कोई और ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, जैसे मस्टर्ड ऑयल अगर आप पसंद करते हो, तिल का तेल पसंद करते हो, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल मिक्स कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट ऑयल ही लेना है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल लेके या मिक्स करना चाहते हो तो मिक्स भी कर सकते हो। और इस तरह से ये ऑयल बनाया जाता है। इस स्टेज तक इसको पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद छान लेंगे और किसी भी ग्लास बॉटल में भर लेंगे। मैं बहुत कम क्वांटिटी बना रही हूँ, मैं सिर्फ 1 वीक के लिए या ज़्यादा 15 डेज़ तक के लिए ही बनाती हूँ। इससे ज़्यादा देर दिनों के लिए मैं इसको स्टोर करके नहीं रखती हूँ। इतना आसान है अनियन हेयर ऑयल घर पे तैयार करना। मैं बहुत सारे ब्रांड्स के अनियन हेयर ऑयल ट्राई कर चुकी हूँ, पर मुझे किसी के भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे कि जब मैं घर पे बना के यूज़ करती हूँ वैसे उसके मिले। मैं मामा अर्थ का, वाओ का, एक दो और ब्रांड्स हैं जिनके अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ। उनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है गंदी, पर
उनके रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। इस हेयर ऑयल की बात करूँ तो आपको इसको वीक में 3 बार ज़रूर यूज़ करना है। एक बार ध्यान रखना, जब भी आप हेयर वॉश करते हो उसके पहले हेयर ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट नहीं करना चाहते हो पर 2 घंटे के लिए एटलीस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वीक में इसको 3 बार ज़रूर यूज़ करो। और हो सकता है कुछ लोगों को इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरनाइट नहीं रख पाते हो अगर आप, तो 2 घंटे रखने की कोशिश करो। इसके बाद किसी भी एक अच्छे से माइल्ड शैम्पू से, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो, और ऐसे शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। नहीं है कि आप अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपको अनियन शैम्पू यूज़ करना है, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अनियन में वाटर कंटेंट होता है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप 3-4 महीने जितना बना के मत रखो, बस आप 1 वीक के लिए या ज़्यादा ज़्यादा 15 डेज के लिए तैयार करके रखो। क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था तो मेरा ख़राब हो गया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको बार बार उसको धूप दिखानी पड़ेगी, या डबल बॉयलर में आपको बार बार उसको गर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगी कि आप सिर्फ 15 डेज का बना के रखो। 15 डेज तक अच्छे से चलता है और ख़राब नहीं होता है, और जितना फ्रेश बना के रखोगे ना उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं लगाएं, पर हल्का गुनगुना तेल से अपने बालों में मालिश करें, और अपने स्कैल्प पे, अपने पूरे लेंथ पे अच्छे से लगा के और इसको छोड़ दें। ओवरनाइट लगाते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर अगर नहीं लगा पाते हो, जैसे स्टार्टिंग में मैं नहीं लगा पाती थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था, मेरी आँखों से आंसू आने लगते थे, तो मैं 2 घंटे के लिए लगाती थी, पर धीरे धीरे वो हैबिट में आ गया और अब मैं इसको ओवरनाइट लगा के रखती हूँ। तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, और जैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और बिल्कुल आपको 1-2 एप्लीकेशन में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, मतलब आपकी डैंड्रफ तो दूर हो जाएगी, हेयर फॉल भी आपको कंट्रोल होता दिखाई देगा। जब आप इसको 3-4 महीने तक रेगुलर यूज़ करेंगे ना, वीक में 2 बार कम से कम यूज़ करेंगे, तो आपके हेयर ग्रोथ भी होने लगेगी, आपके बाल भी मोटे हो जाएंगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। 3-4 महीने बाद मैं शेयर करती हूँ कि मेरे बालों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो बिल्कुल आप भी ट्राई करके बताना और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे रिजल्ट्स मिले। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।